घर से भाग के आए हैं और किस शहर का है? जो भी भागते हैं बच्चे सारे ही लाहौर आते हैं, क्या वजूहत है? लाहौर में ऐसा क्या है? सही बताओ, क्यों आए हो घर छोड़ के? नहीं, काम के सिलसिले में आया हूँ। काम के सिलसिले में आया हूँ। कब से आए हो? मैं आज शाम को पहुँच। घर वालों को बताया? उनसे पूछ के आए हो? परमिशन ली है? उसके नहीं आया था। तो फिर आज के दिन में क्या कमा लिया? आज के दिन में घुमा फिरा हूँ। अच्छा, असल में यही बात है कि ये लाहौर घूमने फिरने आया है। कितने पैसे लेके आए हो घर से? घर से 1000 रुपया ले गए। किसने दिया था 1000 रुपया? वो भी दोस्त से लिया था। इसे रेस्क्यू किया है तकरीबन 8-8:30 बजे के करीब। फिरने का एक या आवारा फिरने का एक बहाना है इनके पास कि हमें जी घर वाले पढ़ने नहीं देते। इस तरह के लोग ही जो घरों से आते हैं वो क्रिमिनल लोगों के हाथे चढ़ते हैं और जो कहानियां जन्म लेती हैं मुआशरे में वो इसी जो है ना मुआशरे का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक लड़का मौजूद है। कहाँ से आया है, क्यों आया है, घर से भाग के आया है और किस शहर का है? जो भी भागते हैं बच्चे सारे ही लाहौर आते हैं, क्या वजूहत है? लाहौर में ऐसा क्या है या इनको ये लगता है कि लाहौर में सब कुछ मिलता है? यहाँ पर इनके जहन में लाहौर के हिसाब से लाहौर के लिए नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो पूछते हैं कि कहाँ से आया, क्या मामला है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मरद खान है। मुझे भी आवाज़ आनी चाहिए, क्या नाम है? ज़मरद खान। ज़मरद खान जी। अच्छा, क्या उम्र है? मेरी 16 साल। 16 साल, कहाँ से आए? मैं रावलपिंडी चकरी से आया हूँ। चकरी से, क्यों? काम के सिलसिले में आया था। क्या काम कर सकते हो 16 साल में? तुम्हें काम की क्या ज़रूरत पड़ी है? ओ, घर वाले पिछले पड़े हुए थे, काम करो काम करो। अच्छा, अम्मी अबू हैं? अबू हैं जी। क्या करते हैं अबू? वो जिम्मेदारा करते हैं। तो जिम्मेदारा भी करते हैं तो तुम्हें 16 साल की उम्र में उसने, सही बताओ क्यों आए हो घर छोड़ के? नहीं, काम के सिलसिले में आया हूँ। काम के सिलसिले में आया हूँ। कब से आए हो? मैं आज शाम को पहुँच जाऊँ। घर वालों को बताया? उनसे पूछ के आए हो? परमिशन ली है? उसके नहीं आया था। तो फिर ये तो ना कहो कि घर वालों को, मैं घर वालों के साथ काम करना चाह रहा हूँ या उनका एहसास करके काम करना चाह रहा हूँ। मैं कहा है तुम्हारे वालिद साहब ने कोई जिम्मेदारी डाली है कि तुम कमाओ खाओ या हमें ला के दो? जी डाली है ना जिम्मेदारी। उन्होंने क्या कहा है कि कमाओगे तो खिलाएंगे, नहीं तो निकल जाओ? नहीं, ऐसे नहीं कहा, ऐसे तो नहीं कहा। एक जिम्मेदार के बेटे हो, जिम्मेदारा करता है तुम्हारा वालिद साहब और 16 साल के बच्चे को उसने काम के लिए लगा दिया या काम पे भेज रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, मेरा अपना दिल कर रहा है। क्या करने आए इधर? दोस्ती यारी के पीछे? हाँ हाँ। सिगरेट पीते हो? नहीं। और कितना पढ़े हुए? मैं 8 पढ़ा हूँ। बहन भाई हैं? और जी। तो कितने तुमसे बड़े बहन भाई हैं? मेरे से छोटे हैं, 3 भाई तो एक बड़ी बहन है। एक बड़ी बहन है, तुम दूसरे नंबर पे? जी। और तुमसे छोटे 2 और हैं? जी। अच्छा, तो फिर आज के दिन में क्या कमा लिया? आज के दिन में घुमा फिरा हूँ। अच्छा, असल में यही बात है कि ये लाहौर घूमने फिरने आया है, लाहौर घुमा फिरा हूँ। अच्छा, वो ज़रूरी था? और कुछ भी नहीं, अभी तो आपके सामने। कितने पैसे लेके आए हो घर से? घर से 1000 रुपया ले गए। किसने दिया था 1000 रुपया? वो भी दोस्त से लिया था। दोस्त से लिया था? काम तुम्हारे सारे मशकूक हैं, काम सही सीधे नहीं है। काम सीधे सीधे होके बैठो, टेक नहीं लगाओ, आगे होके बैठो। काम तुम्हारे सारे मशकूक हैं। तो तुम घर से आए हो, जिम्मेदार के बेटे भी हो, काम के सिलसिले में आए हो, घूमा फिरा हूँ सारा दिन जी। घूम फिर के ये देखे तुम्हारे लिए काम कौन सा बेहतर है? हाँ जी, कौन सा बेहतर है? अब क्या करना है आगे? फिलहाल कोई भी नहीं, फिर घर जाना। घर घूम फिर लिया? यही तुम अपने माँ बाप को कहते कि मुझे घुमाओ फिराओ तो वो घुमा फिरा देते? उनको नहीं पता ना तुम आए हुए? नहीं। तो फिर ये सोचो कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी माँ बाप पे। जी बिल्कुल। नंबर याद है माँ बाप का? जी नंबर अभी पता चल गया उनको। तुमने दिया उनको पुलिस वालों को? जी। फिर बात हुई है? जी। किससे बात हुई है? पापा से। पापा ने क्या कहा? कोट छोड़ो? नहीं नहीं, पापा बोले मैं आ रहा हूँ। क्या फायदा हुआ उस बेचारे को वहाँ से परेशान किया, वो वहाँ से आएंगे? तो तुम्हारे सिर्फ सैर सपाटे के चक्करों में, घूमने फिरने के चक्करों में। जी जी नाज़रीन, इसकी बाकी केस हिस्ट्री इंशाल्लाह पूछते हैं
बाबर साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि बच्चा इनकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, बच्चा क्यों आया है। इसने तो बात सीधी नहीं, किसने कहा जी वैसे मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, बाकी असल क्या, हकायक क्या है, हकीकत क्या है, तो पूछते हैं बाबर साहब से। ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, ये लड़का आया है, उसने बताया है कि मैं यहाँ आया हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा है कि इसने ना कोई ड्रामा या कोई कहानी सोची हुई है, जो हमें हमारे कहने पर वो सवाल पूछने पे बता रहा है, अदरवाइज़ मामला कुछ और है। और घर वालों को भी नहीं बताया, लेकिन वो चाह रहे हैं, ज़िम्मेदार का बेटा है, लेकिन 16 साल की उम्र में इसको कमाने का शौक़ हुआ है, या तो घर वालों की तरफ से प्रेशराइज्ड है, फिर घर वालों को भी नहीं बता के है, दोस्त से 1000 रुपया ले के आया है, और फिर घूमाया फिर है, आज फिर इसने काम भी नहीं ढूंढा। असल में मामला क्या है, क्या कहती है आपकी इन्वेस्टिगेशन? मैडम ये तो ये है कि आईजी साहब के विजन के मुताबिक हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, इसे रेस्क्यू किया है तकरीबन 8:30 बजे के करीब, तो इसे पूछा है, इसने हमें भी यही जो है ना वो कहानी सुनाई है, ये असल में होती कहानी है, या फिरने का एक या आवारा फिरने का एक बहाना है इनके पास कि हमें जी घर वाले पढ़ने नहीं देते और हम काम करना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात, कोई वालद या वालदा ऐसी है जो वालदेन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े ना और काम करे, पढ़ने की उम्र में ये खुद सोचने वाली बात है कि पढ़ने की उम्र में काम करना हमें कैसा लगता है, हमसे कोई पूछे ना तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ना तो एक बहुत बड़ा काम है, काम करने से ज़्यादा जो है ना वो बड़ा है, लेकिन ये लोग बस एक विजन बनाया हुआ है। हालांकि इस्लामाबाद पिंडी है, पिंडी से है, तो बाकी इधर लाहौर क्यों आ जाते हैं, इस बात की मुझे आज तक समझ नहीं लगी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि लाहौर एक समंदर है, यहाँ पे जैसे मौके रोज़गार के मतलब के है ना, ऐसे ही जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं ना वो भी यहाँ मौजूद है, तो ये ज़्यादातर लोग इस तरह के लोग ही जो घरों से आते हैं वो क्रिमिनल लोगों के हाथे चढ़ते हैं, और जो कहानियाँ जन्म लेती हैं मुआशरे में वो इसी जो है ना मुआशरे का हिस्सा है, इसी तरीके से ये कहानियाँ जो है ना वो क्रिएट होती हैं और जन्म लेती हैं। अब इसके घर वालों से रابطہ हुआ, कह रहे पापा का नंबर मैंने बताया है, पापा आ रहे हैं मेरे। जी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो ये सारे लोग करते हैं, ये देखे ना इसके वाले साहब कह रहे थे कि जी आप उसे बिठा दें, मैं आगे से रिसीव कर लेता हूँ, जैसे ही ये खुद भाग के आ गया है तो क्या गारंटी है कि ये वापस अपने घर जाएगा? वो अगर एक बंदा घर से पहले ही भागा हुआ है, अगर हम उसे बिठा भी देते हैं तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो रास्ते में कहीं उधर। और आपकी अपनी भी तो ऑफिशियल कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि बच्चे को जब हैंडओवर करना पड़ता है या फिर तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं उसके बाद देन आप वो करते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी भी लेते हैं, फिर वारिस है, फादर है, उनके मेरे ख्याल में कोई तस्वीरें वगैरह भी लेते हैं तो देन करते हैं, ये कैसे फिर फादर को आप इसके हैंडओवर, जब तक नहीं आएंगे तब बच्चा जाएगा नहीं? ये जब तक आते नहीं है ना ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जब हम इनसे रब्ता कर लेते हैं ना पीछे, वो फिर हमारी कस्टडी में होता है, ये हम फिर यहाँ से जाने नहीं देते, उनका कोई रिलेटिव आता है कि रिश्तेदार आ जाए, या उनका जैसे वालद है, वालदा है, या कोई कज़न मतलब कि आप लगा लें वो आ जाए, तो वो फिर आके हमें कह दे, इसके वालद से बात कर लेते हैं, फिर वो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करने के बाद फिर हम उनके हैंड ओवर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जदाकल्ला नजरीन, ये आज का केस है, आपने सुना भी है, देखा भी है, बाकी आप बताएं कि क्या हो सकता है मामला, कीमती राय से आगाह कीजिएगा, क्यों बच्चे जो हैं वो घरों से मुंतशिर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर घरों से भागते हैं, झगड़े करते हैं या बिना बताए घरों से चले जाते हैं, वालदैन का बिल्कुल भी उनको नहीं होता ख्याल कि क्या पीछे वालदैन पर क्या गुजर रही है, इस जनरेशन को हम कैसे उसमें तब्दीली ला सकते हैं, इस जनरेशन का सुधार कैसे मुमकिन है, ये ज़रूर बताइएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। आईजी साहब को फिर अगेन मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया, आपने हमारे माशरे में अपने हमारे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, उनको महफूज किया, उनकी इज़्ज़तों को महफूज किया। आईजी साहब, आपको तहफ़ुज़ सेंटर की टीम को मैं दिल से सलाम करती हूँ, और ये हमारा माशरा भी आपको दुआएँ देता है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।